सशस्त्र सुरक्षा बल ने अपना 59वां स्थापना दिवस विभिन्न आयोजनों के बीच मनाया। इस आयोजन में एसएसबी के जवानों एवं बच्चों ने अनेकों खेलों में अपनी प्रतिभागिता दी और इनाम भी बटोरे। सन 2003 में स्पेशल सर्विस ब्यूरो सशस्त्र सुरक्षा बल के रूप में जाने जाने लगा। इसी एसएसबी ने अपना 59वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से विभिन्न आयोजनों के बीच मनाया। एसएसबी की भूमिका पूरे देश में काफी सराहनीय रही है। अगर बात करें भिलाई इस्पात संयंत्र के रावघाट खदान की, तो इस खदान को प्रारंभ करना एक टेढ़ी खीर थी, क्योंकि रावघाट क्षेत्र पूर्णतः नक्सली क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में सशस्त्र सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला और रेलवे लाइन बिछाने में अपनी महती भूमिका निभाई। कई सालों के जद्दोजहद के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र का रावघाट खदान प्रारंभ हो सका। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे देश भर में कई ऐसे प्रोजेक्ट आज भी सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जिसकी वजह यह सशस्त्र सुरक्षा बल ही है। एसएसबी ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें बल के जवानों के साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आयोजन में समा बांध दिया। बल द्वारा बच्चों के लिए भी कई रोमांचक खेल आयोजित किए गए थे, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और जवानों ने भी कई आयोजन में हिस्सा लेकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। इस अवसर पर सशस्त्र सुरक्षा बल के कमांडेंट ने सभा को संबोधित किया और अपने इतिहास को गौरवपूर्ण बताया। सबसे पहले सशस्त्र सीमा बल के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय मुख्यालय भिलाई विशेष अभियान, हमारी तरफ से सभी गणमान्यों को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं इसके लिए। फिर 2001 में हमें MHM लाया गया और हमें इंडो नेपाल बॉर्डर दिया गया, नाम वही रहा स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो। उसके बाद 2003 को हमें एक नया नाम दिया गया, एसएसबी को चेंज नहीं किया, लेकिन को कहा गया सशस्त्र सीमा बल, जो आज हमारा पहचान है। फिर 2004 को हमें इंडो भूटान बॉर्डर भी दिया गया। हम एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, लेकिन इसके अलावा हमें अन्य कार्यक्रम अनेक कार्य दिया जाता है, जैसे कि हम जम्मू कश्मीर में है, बिहार में है, असम में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, वहाँ हम इंडिया ड्यूटीज करते हैं। एसएसबी का काम हर एक जगह बहुत सराहना रहा, हमारा इंडिया ड्यूटीज में हो, एएनओ में हो या बॉर्डर में हो, हमने बहुत अच्छा काम किया। इस काम के द्वारा हमें यह भी गर्व होता है कहने के लिए, आज हम उसको भी याद करते हैं। और ये एक फोर्स ऐसा है जो भी काम किया जाता है उनको बहुत अच्छी तरह से हम निभाते हैं। हम देश के सेवा के साथ साथ जनता के बीच में बैठकर हम सेवा भी करते हैं, इसलिए हमें एक वेलफेयर फोर्स भी कहा जाता है। हमारा मेडिकल सिविल एक्शन, सामाजिक चेतना अभियान, दो दो गाँव में जाकर उनको जागरूकता करना, ये भी हम काम करते हैं। सशस्त्र सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर हुए आयोजन से उपस्थित जन समुदाय में काफी उत्साह देखने को मिला। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।